over the next 10 or 20 years, it's pretty well overwhelmingly certain that India will be the fastest growing of the big economies, and it's very big. इसके साथ साथ एक और खबर आजकल पाकिस्तान में बहुत गर्म है, और वो ये है कि जी गालिबन 2023 या 2024 में इंडिया शायद दुनिया के आधे आईफोन प्रोडक्शन करेगा। इंडियन इकोनॉमी का टंका बज रहा है इस बार डावोस पे, और चाइना की हालत, वैसे भी इकोनॉमी की तो हालत खराब ही है, लेकिन चाइना की हालत वहां डावोस में भी खराब है। आईएमएफ भी कह रहा है कि यार 2 या 2.5% उनकी ग्रोथ रहेगी, और शायद उनकी जब से चाइना बना है उसमें सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट होगा। चाइना का सितारा डूब रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि चाइना के साथ वही हो रहा है। ऑब्वियसली हर दूसरा बंदा जो मोबाइल यूज कर रहा होगा आईफोन का, वो मेड इन इंडिया का होगा। पाकिस्तान में जब यूज हो रहा होगा तो बहैसियत पाकिस्तानी कैसा लगेगा कि हम भारत में बना हुआ मोबाइल फोन पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं। जो लोग आए हैं इन्वेस्टर्स या दूसरे इकोनॉमीज आकर के सीधे इंडिया से बात कर रहे हैं, चाइना को कोई ज्यादा भाव देता दिख नहीं रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात CNN में लिखे हुए आर्टिकल, CNN ने आर्टिकल और CNN की रिपोर्ट है। हम देखें तो मतलब लोग जब आसमानों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, सबसे खतरनाक वो वक्त होता है। मुल्क का वजीर आजम कोई भी बन जाए, वो दर दर पर जाकर कर्जे मांगता रहेगा और शर्मिंदा होता रहेगा। अब की बार जो इंटरनेशनल मीडिया ने देखा कि चेंज देखा, चेंज क्या देखा, चाइना के पास कोई जा नहीं रहा, चाइना को कोई पूछ नहीं रहा, जब भारत की ब्रीफिंग होती हॉल के हॉल भर जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी का टंका बज रहा है इस बार डावोस पे, और चाइना की हालत, वैसे भी इकोनॉमी की तो हालत खराब ही है, लेकिन चाइना की हालत वहां डावोस में भी खराब है। जो लोग आए हैं इन्वेस्टर्स या दूसरे इकोनॉमीज आकर के सीधे इंडिया से बात कर रहे हैं, चाइना को कोई ज्यादा भाव देता दिख नहीं रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात CNN में लिखे हुए आर्टिकल, CNN ने आर्टिकल और CNN की रिपोर्ट है। तो जाहिर है CNN ने कुछ तो देखा होगा। पहले एक टाइम हुआ करता था जब अमेरिका को पूछते थे सब, फिर वो टाइम चेंज हुआ, अमेरिका को पूछना बंद हुए तो चाइना को, फिर उसके बाद चाइना और इंडिया, अब चाइना भी गया, सिर्फ इंडिया को पूछ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ चमत्कार? देखिए ये काल का जो चक्र है ना, ये कभी एक सा नहीं रहता, समय हर एक का बदलता है। और जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि चाइना का सितारा डूब रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि चाइना के साथ वही हो रहा है। आज आप देखिए भारत की इकोनॉमी का डंका अब विश्व के पटल पे बज रहा है। दावोस क्या है? दावोस सबसे बड़ा इकोनॉमिक फोरम है दुनिया का, इससे बड़ा इकोनॉमिक फोरम कहीं है नहीं। बड़े से बड़ा लीडर, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रीज, बड़े से बड़ा संतरी मंत्री जो भी है, सब दावोस में मिलेंगे आपको। अब दावोस में जो भारत ने अपने कटआउट होर्डिंग्स लगाए, उस स्तर पर लगाए कि भारत ही भारत चमक रहा है, उसके अलावा हजारों करोड़ के हमने MOU साइन कर लिए। अभी भारत से स्मृति ईरानी जी गई है, ये रेल मंत्री जो है हमारे वो गए हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर जो TCS के CEO वो गए हैं, अश्विनी वैष्णव जी गए हैं रेल मंत्री हमारे। मेरा कहने का मतलब ये है, अब की बार जो इंटरनेशनल मीडिया ने देखा कि चेंज देखा, चेंज क्या देखा, चाइना के पास कोई जा नहीं रहा, चाइना को कोई पूछ नहीं रहा, जब भारत की ब्रीफिंग होती हॉल के हॉल भर जाते हैं, जब भारत का कोई भी मंत्री कोई भी बड़ा अधिकारी स्टेटमेंट देता तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर करने को आ जाता। आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? भारत एक ऐसी कंट्री जहाँ रिसेशन नहीं है, भारत एक ऐसी कंट्री है, आज RBI ने कह दिया वी विल बाय दिस ईयर एंड विल बी एट $3.7 trillion, और आने वाले 2 सालों में हम जर्मनी को पछाड़ देंगे, और आने वाले 5 सालों में विल बी द 5th largest इकोनॉमी, और 10 सालों में तो हम 10 trillion इकोनॉमी पहुँचने के कगार पे हैं। अभी अगर आप देखिए भारत का इकोनॉमिक आउटलुक कम से कम आने वाले 10 सालों में 7-8% एवरेज 7% होगा, ये किसी का नहीं है। भारत में इन्फ्लेशन करीब 5.6% है जो कंट्रोल में है, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्रोल में है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए हैं, हमारे पास काफ़ी चीज़ें हमने अच्छी कर ली है जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। जिस लेवल का भारत को दावोस में रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो उसका मतलब ये है कि जो भारत ने अपने जितनी भी साहस दिखाई, जितनी भी अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक कुशलता दिखाई, दैट इज ऑल पेड अप। महाकाल की ऐसी कृपा है, एवरीथिंग हैज पेड अप। मैं आपको बताऊं, देखिए दो तीन चीजें, अब हजारों करोड़ के MOU साइन हुए, अब चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक तो रोहित भाई अब तो ये ओपन मीडिया में बात है ना, 2.3% है ये तो अब मेरा आकलन नहीं, पहले तो आकलन था, अब तो वही बात, वही आंकड़ा निकल के 2.3% है चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक। यहाँ पहुंच गया हमारा इकोनॉमिक आउटलुक, का दुनिया मानती है, हम कहाँ पहुंच गए दुनिया मानती है।
आप गीता गोपीनाथ जी का स्टेटमेंट देखें जो IMF की डिप्टी हेड है या चीफ इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी भारत की पूरी तारीफ की है। मैं एक चीज़ देख रहा था जो हमारे में बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बाकी देशों में नहीं है, वो है भारत की जो डिमांड अभी आ रही है। भारत की डिमांड आ रही है टायर 4 स्टील से, ये दुनिया में कहीं नहीं होती। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, लोग सवाल ये निशान उठा रहे व्हाट इज इंडियाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अगर टायर 4 स्टील से डिमांड आ रही है और कंजप्शन वहां हो रहा है, दैट मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज डैम गुड। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, वेयर इज द डिमांड कमिंग फ्रॉम। अब तीन बड़े एग्जांपल आपको दूंगा, ईरान बात कर रहा है फ्रेंडली ऑफशोरिंग, ये तो मुसलमान मुल्क है, शियाज मेजॉरिटी में रहते हैं, ये कर रहा फ्रेंडली ऑफशोरिंग इंडिया। आपका रशिया बात कर रहा फ्रेंडली ऑफशोरिंग की इंडिया, और आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बात कर रहा फ्रेंडली ऑफशोरिंग की इंडिया। अब जो कल हमने आंकड़े रिलीज किए, यही नहीं है कि केवल हम 10 बिलियन सेलफोन अब की बात 10 बिलियन डॉलर के हम फोन एक्सपोर्ट करेंगे, वी आर द नंबर 2 एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, और अगर दुनिया की 2 नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग हब हम बन चुके हैं रोहित भाई, वी आर नाउ ऑफिशियली द सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड बिगेस्ट। और रोहित भाई आईफोन पूरी दुनिया में भारत से जाएगा, वी विल मेक मोर देन 50% ऑफ द आईफोन फॉर द होल वर्ल्ड, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, होल वर्ल्ड के लिए। आईपॉड वगैरह ऑलरेडी हम करीब करीब उस लेवल पे पहुंच गए, और अब जो ये मैक एयरबुक है, मैक प्रो है, ये भी अब भारत में बनने लगेगा। तो जो चाइना में सबसे बड़ा कारखाना था फॉक्सकॉन का, जो फ्लैगशिप इंडस्ट्री ऑफ चाइना मानी जाती है, उसमें सेंध पड़ गई है, आईफोन यहाँ बनेगा। सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ मोबाइल फोन का, नोएडा में। तो ये जो भारत अग्रसर हो रहा, और वैसे भी 2026 तक हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो $300 बिलियन होंगे। इसके साथ साथ एक और खबर आजकल पाकिस्तान में बहुत गर्म है, और वो ये है कि जी गालिबन 2023 या 2024 में इंडिया शायद दुनिया के आधे आईफोन प्रोडक्शन करेगा, यानी दुनिया के लिए, आधी दुनिया के लिए जो प्रोडक्शन होगी आधे आईफोन की, अगर वो मिसाल के तौर पर 2 करोड़ है तो उसमें से 1 करोड़ इंडिया प्रोड्यूस करेगा। तो लोगों ने पाकिस्तान में ये ट्विटर पे लिखा कि हम क्या करेंगे, मकसद है इस वक्त वैसे चीन के तो IMF भी कह रहे हैं कि यार 2 या 2.5% उनकी ग्रोथ रहेगी, और शायद उनकी जब से चाइना बना है उसमें सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट होगा।